नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के जाने माने रंगकर्मी और गायक राजू सिन्हा जी उर्फ तनु जी। तो आइए मिलते हैं राजू जी से और सुनते हैं इनकी गायकी को। राजू जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो की टीम और डॉक्टर रोशन सर जिनका ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो हम तमाम कलाकारों और तमाम सुधी जनों को यहाँ तक ला करके और प्रस्तुति करवाते हैं, इनके लिए मैं डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजू जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपका पैतृक गांव कहाँ है? मेरा पैतृक गांव बेगूसराय में बाघी, जो कि वार्ड नंबर 25 है, अभी नगर निगम में है, वही मेरा गांव है। जी, मैं संगीत के क्षेत्र में आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। जी, मेरी सबसे पहले जो शुरुआत हुई, वो कहते हैं ना कलाकार कैसे बनते हैं, तो मैं बचपन में पढ़ाई तो करता ही था और पढ़ाई के साथ साथ मैं गाना भी सुना करता था जी। और मेरे पसंदीदा गायक हुए मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके गाने मैं बहुत सुनता था। मन करता था कि हम भी कहीं सीखें, लेकिन हम लोगों को बचपन में कनेक्टिविटी नहीं बनी, कहाँ सीखा जाए। तो मैं पढ़ाई करके बहुत दिनों तक ट्यूशन भी अपने घर पे पढ़ाता था, मैथ्स काफ़ी दिनों तक मैंने पढ़ाया। 2006 में इप्टा का एक वर्कशॉप लगा, वो योगाश्रम यहाँ पे बिशनपुर में है, MRJD कॉलेज से पहले जी। उसी में लगा था, तो पोस्टर देख करके हम भी गए थे, मेरे मन की बात थी जी। तो वहाँ पे मैंने भाग लिया तो वहाँ हमें मुलाकात हुई परवेज यूसुफ सर, जो हमारे नाट्य की दुनिया में हमारे गुरु हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं उसमें पार्टिसिपेट किया तो मैं कोरस में ही था जी। तो नए नए बच्चे तो कोरस में ही जाते हैं, लेकिन मैंने देखा उनका, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद उन्होंने उसी समय पंपलेट छपाया था और उसमें कम्युनिकेशन आर्ट यानी बोलने की कला जी। इसके वो पंपलेट मिला, तो हम लोगों ने उसमें भाग लिया और मैं विधिवत प्रवेज सर के इंस्टीट्यूट में बाकायदा स्टूडेंट ही नहीं, प्रथम स्टूडेंट मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि हम ही लोगों से शुरुआत हुई थी। तो जब इसमें मैं आया तो गांव ग्रामीण के थे, तो बचपन में हम भी वैसे ही बोले, वैसे ही पढ़े, एक दो तीन चार ऐसे ही बोलते थे, ना शब्द के जानकारी थी ना कुछ। जब नाटक में एंट्री किए तब हमें लगा कि ये दुनिया तो हमसे बहुत छूटी हुई है। तब जब उन्होंने बोलने की कला की शुरुआत की, मैंने इंस्टीट्यूट में बाकायदा सीखा भी, तब उन्होंने हिंदी में श कैसे बोलने हैं, प कैसे बोलने हैं, श बोलने कैसे बोलने हैं, फिर उर्दू के लफ्ज़, उसके सारा चीज़ मुझे लगा ये तो मेरे से छूटा हुआ है। तब मैंने विधिवत इसकी तालीम ली, फिर कुछ दिनों तक नाटक भी किया। नाटक में मैं परवेज सर के यहाँ सीखा, फिर उन्होंने क्या कि बोलने की कला कंप्लीट हो गई, एक साल का कोर्स उन्होंने चलाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन जो है वो आपको 100% कम्युनिकेशन जो होता है वो नाटक से ही होता है। तो मैंने कहा मेरे को कम्युनिकेशन सीखना है तो 100% सीखना है, तो मैंने नाटक में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं उस समय इस आर्ट की दुनिया में मैं अपने आप को समझता हूँ मैं 0/2 सन्नाटा था, उससे पहले मुझे कुछ आता भी नहीं था। मैंने एंट्री कर लिया तो बहुत सारे नाटक भी किए मैंने, विदेशिया नाटक जिसमें तुम भी बहुत पार्टिसिपेट की थी और हम देखा करते थे, हम लोग कोरस में हुआ करते थे, तो नाटक में भाग लिया। फिर उसके बाद फिर अवधेशदा उनसे मुलाकात हुई, उनके नाटकों में नुक्कड़ पे जा कर के नाटकों में मैंने भाग लिया। और 2010 में
भारतीय रंग महोत्सव दिल्ली में जो होती है, NSD में जो होती है, उसमें मैंने प्रवीण गुंजन भाई का डायरेक्शन में एक नाटक था शेक्सपियर की, वो था मैकबेथ। उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला और मैं दिल्ली तक भारतीय रंग महोत्सव में शामिल भी हुआ। उसके बाद उसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई, ये बीहट के अशोक भैया हैं, नाल वाले भैया, वो हमारे कहा जाए तो संगीत के स्पिरिचुअल गुरु वो हैं। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि नाटक ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जीवन में कुछ और भी करना है, कैरियर भी करना है, देखना है, तो आपको म्यूज़िक में आना चाहिए, क्योंकि मैं कोरस में गाता था और अच्छी आवाज़ भी थी, तो कोरस में हुआ करता था। तो उन्होंने ये मुझे इंस्पिरेशन दी, तो मैं 2008 में अंजनी भैया को मैं देखा था वहाँ, 2006 में वो आए थे वर्कशॉप में, तो अंजनी भैया के मैं शुरुआत किया। इस हिसाब से अंजनी भैया मेरे प्रथम गुरु हुए संगीत के। उसके बाद मैं अंजनी भैया के यहाँ लगभग 2-2.5 साल सीखा। उसके बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर मनोहर गोपाल सर के यहाँ प्रोसीड किया, तो मैं फिर डॉक्टर मनोहर गोपाल सर के यहाँ चलाया और अभी तक मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। ये संगीत की कड़ी में और भी लोगों से मैंने शिक्षा दीक्षा ली, गोपाल सर के अलावे मेरे गुरु हुए कुछ तबला वाले सर हुए, तो एक रामदीरी के हैं सुनील भैया, वो तबला बजाते हैं। तो हम बेगूसराय में स्वामी विवेकानंद स्कूल है, प्लस टू स्कूल, उसमें म्यूज़िक टीचर का वर्क शुरू किया था जी। तो उसमें वो तबला प्ले करते थे, तो हम दोनों एक साथ हो गए, तो तबला का जो सेंस है, जो लय, जो रिदम है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखी। इस लिहाज से ताल के गुरु मेरे वो हो जाएंगे सुनील भैया सर। फिर उसके बाद निरंतर जब आगे बढ़ा कालांतर में, फिर हमारे और भी गुरु हुए, जिसमें फिर आई बात शास्त्रीय गायन। शास्त्रीय गायन ऐसा गायन है कि आप सुर को समझें, उसमें लय सारी बातें सीखी जाती हैं। उसको सीखने के बाद दरअसल धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप संगीत सीखना शुरू करते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, संगीत सीख रहा तो कोई गाना सुनाओ, ये पहला प्रश्न होता है। तो जब आप शुरुआत करते हैं, सारे गामा पा करते हैं, तो उस समय आप कोई गाना को बजा के गा नहीं सकते, ये प्रॉब्लम रहती है। तो मन में आया कैसे गाया जाए, बजाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम भी गाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने, तब हमारी मुलाकात हुई और मन भी करता था कि स्टेज पे आऊँ, मैं भी गाना गाऊँ, मैं भी गज़ल गाऊँ, मैं भी गीत गाऊँ, लोग मुझे सुने। तब एक हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, संतोष प्रभाकर, जो कि हल्दिया में हैं, हल्दिया बेगूसराय रजौड़ा हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी लाइट गाने कैसे गाए जाते हैं, उन्होंने अपना मंच दे करके मुझे परफॉर्म भी करवाते रहते हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उस लिहाज से वो भी मेरे गुरु हुए। तो गुरुओं का सिलसिला बहुत, आगे भी बहुत सारे गुरु बनेंगे, लेकिन शुरुआत हमारी हुई अंजनी भैया के यहाँ से। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि जिंदगी सीखने की चीज़ है, और आप जहाँ जिससे सीखते हैं वो आपके गुरु ही कहलाते हैं। और मैं सबको शामिल करता हूँ जी। तो स्पिरिचुअल गुरु हमारे हो गए अशोक पासवान भैया जी, उन्होंने ही मुझे इंस्पिरेशन दी, इंस्पायर्ड किया, तो मैं म्यूज़िक में आया, बट नहीं तो मैं भी अभी नाटक ही किया करता रहता जी। तो बहुत अच्छा लगता है। तो शास्त्रीय गायन, अब बात आती है कि गायन, शास्त्रीय गायन क्यों, क्यों शास्त्रीय गायन ही सीखा जाए। तो शास्त्रीय गायन जस्ट लाइक आप, जिस तरह हिंदी दो तरीके से बोली जाती है, एक तो ठेठी हिंदी हो गई, जिसमें आपको क्षेत्रीयता का काफ़ी उस पर प्रभाव रहता है, और एक हुआ व्याकरण के दृष्टिकोण से आप शुद्ध बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो संगीत में शास्त्रीय गायन जो, वो व्याकरण है, उसमें आपके सुर, उसमें श्रुति, उसमें लय, उसमें रिदम, मात्रा, भाव, सारी चीज़ों का समावेश, तब आपको समझ में आती है कि ये सा बोले तो कैसे बोले। कोई कोई सा बोलता है तो सा ऐसे करके बोलता है, जैसे कोई बोलेगा सा, बोलना है एक बार में सा, एक पॉइंट पर लगना चाहिए एक बार में सा, लेकिन होता है बहुत लोग बोलते हैं सा, ये नहीं चाहिए, ये आपको सुरों की समझ इसको बढ़ानी पड़ती है जी। ये है शास्त्रीय संगीत। तो इसमें सुर, इसमें व्याकरण, इसके क्लासिकल के जो रंग हैं वो भी बचा रहना चाहिए। राजू जी की
आपको संगीत सीखने के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना काफी जरूरी है, इस ये फैकल्टी बेसिक या नॉलेज है कि जब तक आपको समझ नहीं तब तक आप कुछ भी गाने गाते बजाते सभी हैं, गांव घर में भी बजाते हैं गाते हैं, बट वो प्योरिटी प्योरिटी नहीं आती है। प्योरिटी आप जैसे कोई गाने हैं, जैसे सपोज करें कि एक गाना है, जैसे ये गाना मैं सुनाता हूँ, जगजीत सिंह साहब की गाई हुई, गा ये सा रे गा रे गा रे गा रे सा नी धनी रे सा। तो इसमें कोई भी गाने, हाँ जगजीत सिंह साहब की गाने, जैसे होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी जीत अमर कर दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं होठों से, तो ये कह रहा है गरे गरे सानी रे रे सा। तो ये वही कह सकता है जो शास्त्रीय संगीत, या तो ये स्वर की समझ तब गायकी। और गांव के लोग जो गाते हैं, गांव में भी बहुत सारे गाने बजाने वाले हैं जो बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन उनमें ये क्लियरिटी नहीं रहती कि वो क्या गा रहे हैं, सुर दिखता नहीं, सुर देख करके गाना, ये आपको शास्त्रीय गायन से ही संभव होता है। संगीत सीखने के लिए सबसे पहली बात है कि आदमी के अंदर सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ मिलता है, जो आपकी आवाज़ है, जो गॉड ने दे रखी है, वो आपकी अपनी आवाज़ ही है जी। है क्या, जैसे जैसे आप लय की बात करें, स्वर की बात करें, तो स्वर जो हम बोलते हैं यही स्वर है, लय जो टाइमिंग के साथ बोला जाता है ये लय है। जिस तरह से लय की परिभाषा, एक बार लय की परिभाषा डॉक्टर एस पंडित साहब दे रहे थे, वो बता रहे थे लय क्या है, और बड़े बड़े लोगों से भी मैंने सुना है, करेक्ट भी है। जैसे हमारा हार्ट बीट जो धड़कता है एक मिनट में 70 से 72 टाइम्स, इतने बार वो धड़कता है, अगर वो धड़कने का जो टाइमिंग है, ये बिट ये धक धक जो कर रहा है धक धक, वो टाइमिंग है, यही लय है। और गाने बजाने वक्त इसका बड़ा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर रिदम सेंस है कि नहीं, रिदम का सेंस है और सुर की समझ अंदर से ही डेवलप है, तब आप कुछ सीख पाते हैं। बिल्कुल। अब हम गाने के चल बैठे तो गाने में क्या है, सुरों का उतार चढ़ाव, सारे गामा कर रहे हैं, तो स्वर का जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को आपको अनुभव करना है जी। आपके अंदर है और इसकी आवाज़ हारमोनियम की आवाज़, ये दोनों को मैच कराना, शुरुआत में यही करना होता है। तो जिसमें रिदम का सेंस है और जिसके सुर के समझने की यानी फ्रीक्वेंसी मैच कराने की कैपेबिलिटी है, वो संगीत सीख सकता है। वैसे सभी की इच्छा होती है कि मैं गाऊँ। अच्छा, देखने वाले को लगता है गाना बजाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम, जब कोई मंच पे गा रहे होते हैं, हम लोग भी जब बचपन में थे तो लगता था कि दूर ये तो बहुत हल्का काम है, कुछ हो है गाना सुन लेंगे ऐसे गा देंगे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं। बट जब आप इसमें डूबते हैं, संगीत की दुनिया में जब आते हैं, तब आपको समझ में आती है कि ये कितना कठिन काम है। वैसे कहा जाता है कि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो संगीत है वो बहुत डेप्थ है, इसमें बहुत सारे क्रिएशन के गुंजाइश होते हैं। जब आप संगीत सीखते हैं तब आपको
लगता है कि बिजली का जो बिजली कड़क रहा है वो कौन सा सुर है, उसमें क्या लय है। या जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो अब जैसे कभी धीमा गति से चलते हैं, कभी तेज़ गति से चलते हैं, कभी लगता है चलते चलते रुक जाते हैं, वो सभी क्रिया संगीत में है। कभी स्लो स्पीड, कभी फास्ट स्पीड, कभी मीडियम, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी पॉज लगाना है, कभी क्या करना है। तो जो मन के भाव हैं, मन के भाव को स्वर और लय के द्वारा प्रस्तुत करना ही संगीत है। ये संगीत की परिभाषा मानसिक रूप से, शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि संगीत की जो परिभाषा है, गायन, वादन एवं नृत्य, ये तीनों का जो मिश्रण होता है तो वो संगीत है। अब प्रश्न आती है कि आप गाते वक्त डांस भी करते हैं क्या, मन में आता है? तो गाते वक्त गायक ऐसा नहीं है कि गाते वक्त वो नाचने लगे, लेकिन है क्या, इसमें तीनों चीज़ शामिल है। जैसे हम गा रहे होते हैं तो उसमें लय भी है साथ में, और नृत्य नहीं करते उठ करके, लेकिन एक चीज़ है नृत्य का जो मेन चीज़, नृत्य की जो परिभाषा है उसमें भी भाव का जो परिलक्षण होता है लय के द्वारा, स्वर के द्वारा, वही है नृत्य। नृत्य में भी तो वही चीज़ करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं या हम आपसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप भी सर हिला रहे हैं, ये यही भाव, इसी को हम लोग नृत्य कहते हैं। तो आगे अब कुछ बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटी सी बात आपने कही कि ये धड़कन जो धक-धक करता है वो ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा, लय है, लय है मैडम, लय है। इससे बड़ा लय या संगीत कहा जाए कुछ भी नहीं, जिसे खुदा ने खुद कंपोज कर रखा है। जी बिल्कुल, इसलिए कहा भी गया है कि किसी का ना सुने दिल की सुने। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बताइए राजू जी की संगीत के क्षेत्र में अभी तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? खुद की परफॉर्मेंस की बात तो जिला स्तरीय भी शास्त्रीय गायन में भी पार्टिसिपेट किया है, बट हमारा अभी स्थान वैसा कुछ आया नहीं था जी। सेकेंड हो गए, कभी थर्ड हो गए, ऐसा कुछ होता रहा है। पार्टिसिपेट तो किया ना? जी जी पार्टिसिपेट किया है, जिला स्तरीय प्रोग्राम्स होते हैं शास्त्रीय गायन वगैरह, उसमें मैंने भाग लिया है बहुत सारे। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी किया करता हूँ मैं जी। गीत गज़लों के, सूफी, ये सब सॉन्ग्स वगैरह। आप गीत अभी गजल आप जो भी गा रहे थे जी, फोटो से छू लो तो जी बिल्कुल, उसे पूरा करें और हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल Thank you.
आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छन काती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। क्या खूबसूरत आवाज है यार जी, और बहुत ही खूबसूरत गायकी है। ये बताइए राजू जी कि अभी आप संगीत शिक्षक हैं जी। मैं अभी पहले जो शुरुआत हुई हमारी संगीत टीचर के रूप में, मैंने शुरुआत की थी रिवर वैली स्कूल से जी। रिवर वैली स्कूल में मैं बतौर म्यूज़िक टीचर के रूप में काम किया। उसके बाद मैं स्वामी विवेकानंद प्लस टू स्कूल में म्यूज़िक टीचर के रूप में लगभग 2-2.5 साल काम किया जी। उसके बाद मैं डीएवी में, सिवान डीएवी में पार्टिसिपेट किया, वहाँ मैं डीएवी के टीचर के रूप में काम शुरू किया। बट कोरोना की शुरुआत हुई और मैं अभी यहाँ बेगूसराय आपके पास। और जब मैं वहाँ डीएवी में था तब मैंने संगीत सीखा तो लगा कि चलो संगीत में कुछ क्रिएशन होना चाहिए जिससे आप लगे कि आपने क्या सीखा है। तो मैं जब डीएवी में था, ये एक गाना, एक कविता का मैंने धुन बनाया जी। मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल में ही था तो स्वामी विवेकानंद स्कूल के बच्चे डीएम के आवास पर झंडोत्तोलन वगैरह में गीत गाते थे, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करवाता था बच्चों को। तो उसी समय एक कविता है जो कि सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई के स्कूलों में ये पढ़ाई होती है क्लास सिक्स की जी। ये आपको हो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। वो इसलिए मैंने इस कविता का चूज़ किया क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए मैं, और टाउन हॉल में भी बच्चों से मैं पार्टिसिपेट करवाया इस गाने को, इस कविता को, और बहुत सराहना मिली। डीएम आवास पर जब ये थे आपके डीएम, अभी के जस्ट पहले थे राहुल कुमार थे ना जी, राहुल कुमार के समय में, तो उसी समय मैंने धुन बनाया था। तो उन्होंने स्पेशली वो आवास पे मुझे थैंक्स दिया था कि बहुत अच्छे टीचर के रूप में आप काम कर रहे हैं। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, ये कविता क्लास सिक्स में पढ़ाई होती है सीबीएसई बोर्ड के, और इसके लेखक हैं माहेश्वरी प्रसाद, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, उन्हीं की ये रचना है। उसको मैंने स्वरबद्ध किया अपने ढंग से, ओ आप भी सुनना पसंद करेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए जी कविता सुनाएं। ये हमारी अपनी अपनी ट्यून की हुई है। सा रे ग म प प सा नि ध प म म ग ग रे रे सा 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 रे ग म प प सा नि ध प म म ग ग रे रे सा 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 उठो धरा के, उठो धरा के, उठो धरा के, उठो धरा के, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो,
उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति प्राण भरो, उठो धरा के। प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति प्राण भरो, उठो धरा के। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भोरे, गुन 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 करते भोरे, मस्त उधर मंडराते हैं नव युग की नूतन वीणा में, नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के, उठो धरा के, उठो धरा के। बहुत ही काबिल तारीफ है आपकी इंटोनेशन, बहुत ही खूबसूरत जी। मैं चाहूंगी कि एक सूफी गाना हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। सूफी ठीक, कोशिश जितनी याद होगी। निसा निसर जधद निरे सर गर निसर नि सर नि सर सध निपद नि रे सर गर सा। मैं छोटा छोटा एक दो लाइन, एक दो लाइन का हूँ। मस्त नजरों से, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मेजवानों से अल्लाह बचाए, हाँ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मेजवानों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों 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 से, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मेजवानों से अल्लाह बचाए। ये एक लाइन हो गया और इसी में इसी राग, ये राग दरबारी पे आधारित है, इसीलिए इसमें
ने सा ने सर सदा नि रे सर गा गा मा रे सा रे ने सा ने सा ने सर ने सा ने सर सदा नि रे सर गा मा रे ने सा। ये राग दरबारी का रंग है। मा पद प मा ग रे सर नि सा ध नि रे सा। इसी में एक बहुत चर्चित है, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बड़क सी गिर गई। बड़क बड़क मीन्स बिजली। बड़क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसे लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर बेहिजावा न वो सामने आ गए, बेहिजावा न वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, तीर ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे गाया है राजू जी। अभी आपने एक शब्द कहा था राग। जी जी। तो ये राग क्या होता है? राग जस्ट लाइक व्याकरण समझिए, शास्त्रीय गायन का ये व्याकरण है जी। इसमें राग का मैंने सुर लेने का जो चलन है वो वैसे ही लिया जाएगा। जैसे ये था ने सा नि सा रे सा ध द नि प, ये ऐसे ही आएगा, नी प आएगा, म प द द द नि रे सर गा मा रे नि सा, ये राग का चलन है, सुर ऐसे ही जाना है। कोई भी गाना है वो बिना राग के नहीं हो सकता है, मतलब कोई ना कोई ना कोई सुर तो होना ही है। तो जब लाइट गाने होते हैं तो लाइट गानों में थोड़ी छूट होती है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, एक शुद्ध हिंदी, जैसे व्याकरण व्याकरण के दृष्टिकोण से आप जब बोलते हैं तो एक परफेक्ट बोलते हैं, उसमें कहीं भी अशुद्धि नहीं है। जैसे राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई बोलेंगे तब आप शुद्ध बोलें, ऐसा नहीं हो सकता राम ने रोटी खाया। लेकिन जब आप आम आवाम में बोलते हैं तो वो राम रोटी खाया कुछ बोल देता है, उन्होंने ये कहे, लेकिन ये सब अशुद्ध है। बहुत सारे लोगों का आप सुनेंगे कि वो बोलेंगे कि आपसे सीनियर जो होंगे आपने उनके बारे में जब आप बोलते हैं तो उन्होंने कहे ये, लेकिन रॉन्ग है, ये सही नहीं है, उन्होंने कहा ये सही है। तो उसी तरह इसमें सुर जो है, जब आप क्लासिकल गायन गाते हैं तो उसमें सुरों का ये चलन है, तो ऐसे ही जाना है, ऐसे ही आना है। लेकिन जब आप लाइट गाने गाते हैं तो उसमें थोड़ी सी छूट मिलती है। आप नी सा रे सा ध नी पा नहीं लेकर के अगर ऐसा ले लें सा रे ग म ग रे सा, तो चल सकता है। और थोड़ी इसमें सुर से थोड़ा अलग भी सुर अगर ले लिया जाए, थोड़ा सा नहीं कहता है स्पेशल इफेक्ट के लिए, तो वो चल सकता है। शास्त्रीय संगीत में ये बंदिश है कि आप उसके हिसाब से ही गाएंगे बजाएंगे तभी आप वो शास्त्रीय गायन हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। शास्त्रीय गायन से जब आप आते हैं, जैसे को हम उप शास्त्रीय गायन कहते हैं, जैसे ठुमरी है, टप्पा है, ख्याल है, तराना, ये गज़ल है, ये सब आपको क्या है कि ये लाइट, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश रहती है कि आप अपने मन का कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है भाव प्रधान है। भाव, हमारी भावना हुई कि थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं।
तो कैसा होगा। तो वो भाव को प्रस्तुत करने के लिए आप जो करते हैं वही भाव संगीत है, डेट मीन्स लाइट म्यूजिक। अब जैसे ये गाना है, जैसे इसमें बहुत सारे, अब बहुत सारे गाने में देखेंगे कि एक ही सुर का नहीं होता, उसमें बहुत सारे सुर बदलते हैं, कभी कॉर्ड बदल जाते हैं तो कभी नोट बदल जाते हैं। जैसे ये गाना है, इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट मिलेगा। एक रफी साहब के गाने हैं तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। जैसे ये गाने में जैसे मैंने शुरुआत की तो उसमें कोमल गंधार लगा आने में, कोमल सॉरी शुद्ध गंधार लिया मैंने, यहाँ पे था। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, ये शुद्ध गा है। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने, ये गंधार हो गया कोमल, देखे कितना इफेक्ट है। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। फिर कहता है देखिए आगे आगे भी इफेक्ट है स्पेशल। दिल पे तुम हाथ जो रख दो, ये राग जो है राग भैरव आपने सुनी होगी तो उसका रंग है। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, दिल पे तुम हाथ जो रख दो, ये रंग भैरव का है, मेरी तस्कीन हो जाए, जाने मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए, दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, मैंने रखा है मोहब्बत, मैंने रखा है मोहब्बत। तो लाइट गाने में थोड़ी गुंजाइश है, आप अपने मन का लगा कि थोड़ा सा कोमल ग को हटा के थोड़ा कोमल से सुर शुद्ध कर दें, थोड़ा सा तीव्र मध्यम लगा दें तो इसमें है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लाइट म्यूजिक, भाव संगीत बोलते हैं हिंदी में से। अच्छा राजू ये बताइए कि अभी आप क्या कोई संस्था चलाते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए संगीत की? मैं अभी उस तरह से अभी संस्था में मैं नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन अभी कहा जाए तो संगीत के टीचिंग में थोड़ा थोड़ा योगदान मैंने शुरुआत की है, कुछ बच्चे आते हैं घर पे भी सीखते हैं और कुछ को मैं होम ट्यूशन भी देता हूँ। होम ट्यूशन में अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर्स जिसको मैं सिखाता हूँ, कुछ अच्छे लोग उसको मैं सिखाता हूँ, तो ये सब चलता है। ये बताइए राजू जी कि संगीत के क्षेत्र में भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी?
मेरी योजना, मैंने मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था। मैथ्स मेरा इतना अच्छा मैथ्स है, अभी भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, 12th तक का मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आर्ट में जो मन को सुकून मिलता है वो उसमें नहीं है। उसमें लगता है जैसे कुछ नीडस है, कुछ उखड़ा उखड़ा। और बचपन से मैं संगीत सुनता था, बहुत सारे गाने में सुनता था, तो मुझे लगता था कि यही काम सबसे अच्छा है मेरे लिए। ऐसे भी कहा जाता है कि जब जिस चीज़ में आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो, मन की हो, उस काम को अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो संगीत में मुझे इतनी तसल्ली मिलती है और यही, इसी को मैं करियर पॉइंट मैंने बनाया कि लाइफ में जॉब करना है तो इसी से करना है, वर्क करना है तो इसी से करना है, ऐसा मैंने, इसीलिए संगीत मुझे पसंद है। राजू जी, मैं चाहूँगी कि आप मेरी फरमाइश का जी गाना, जी बिल्कुल, गुलाम अली साहब की एक सॉन्ग है ये दिल ये पागल दिल, या बहुत बहुत, तो मैं चाहूँगी कि वो हमें सुनाएं। जी जरूर, कोशिश करता हूँ मैं अपने तरीके से। मैं तो उनके जैसा नहीं गा सकता, उनके जैसा कोई भी नहीं गा सकता। कहा गया है कि इस लाइन में आर्ट जो है वो क्रिएशन का वर्क है, और ऐसा नहीं जो आपने किया वो मुझसे होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जो आपने किया वो आपका है, जो मैं कर पा रहा हूँ वो मेरा है। तो मैं अपनी जो समझ है उसी के हिसाब से मैं प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि ये उस्ताद गुलाम अली साहब की गाई हुई है। ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। इस दस्त में एक शहर था, इस दस्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, एक अजनबी झोंके ने जब एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, गम का सबब, गम का सबब। आप जैसे यहीं पे जितनी समझ वैसे गाते हैं लोग। एक अजनबी ये राग का रंग है, आप समझ रहे तो उस तरह से लगाते हैं। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की बिगरेत पर, सहरा की बिगरेत पर मैंने लिखा आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी, 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 आवारगी। बहुमूल्य समय देने के लिए स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, और मैं फिर से एक बार फिर से डॉक्टर रोशन साहब का शुक्रगुजार हूँ
जिन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म को तैयार किया और अपनी बात अपने लोगों के साथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आपसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।